गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक गणित करेंगे। वैदिक गणित में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैदिक मैथ्स में, ठीक है? तो उसका सूत्र क्या है? विलोकनम सूत्र। विलोकनम सूत्र से हम वैदिक गणित में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है? तो उसके लिए 6084 है, उसको दो पार्ट करेंगे, एक 60 और 84। तो हम पहले 84 को ले लेंगे। 84 देखो, इसका फर्स्ट वंस के डिजिट में क्या है? 4 है ना? तो हमें जो पता है कि 4 स्क्वायर रूट आना है तो क्या क्या हो सकता है? 2 आना चाहिए या नहीं तो 8 आना चाहिए, है ना? 2 या नहीं तो 8, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में 4 है। 2 2 4, 8 8 64। तो 4 आना है तो या 2 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, है ना? तो 2, अब देखो 2 स्क्वायर क्या है? 4 है। अब यहाँ पे 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितने है? 64। 64 क्या है? 84 से कम है ना? तो कम वाला हम हमेशा क्या है, जो इससे कम वाला नंबर लेते हैं। पर 2 से 2 मतलब बहुत कम हो गए, तो 8 8 से 64 8 8 2, इसके यूनिट डिजिट में 2 या 8 आना चाहिए। तो 8 8 से 64, विच इज लेस देन 84 है। 84 से कम है 64, तो इसके डिजिट में क्या आएंगे? 8 ले लेंगे हम, 8। तो यूनिट डिजिट में हमारा नंबर आ गया 8। अब देखो 60 है ना, ये 60 का है। तो 60 क्या है? किस किस नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में है वो देखना है। तो 60 मतलब 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है। 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। अब देखो 64, 8 स्क्वायर 67 या 8 हमारा यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो क्या है? 8 स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर 64 है, वो 60 से ज्यादा है। हमेशा क्या है, हमें कम नंबर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 हम ले लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट हो गए 3249। तो उसको 3249, ठीक है, 3249। तो 49 क्या है? यूनिट डिजिट में 9 है, तो 3 या 7 आना चाहिए, 3 या 7, है ना? तो देखो 7 7 49, 3 3 9 है, वो बहुत कम है ना? इसलिए हम क्या है, 7 ले लेते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यूनिट डिजिट में ये 7 आ गए। अब यहाँ पे 32 है, 32 हमारा 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में है। 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36 के बीच में है। तो 36 ज्यादा है और कम वाला 5 लेंगे, तो हम क्या है, 57। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, 57।